कुंभ राशि, फुल गारंटी के साथ कहते हैं आप खुशी से पागल होंगे। सारे काम छोड़कर इस वीडियो को देखो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। कुंभ राशि किस तरह से खुशी से पागल होने वाले हैं उसके बारे में यह वीडियो होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोज आपको हर रोज देखने को मिले। दोस्तों इन वीडियो को देखने के बाद आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों आपके लिए ये जो आने वाले दिन हैं बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होंगे। जीवन में चल रही चुनौतियां अब कम होने वाली हैं। आप अपना निजी जीवन हंसी खुशी व्यतीत करेंगे। आपकी किस्मत पूरा साथ देने वाली है। कामकाज में लगातार सफलता हासिल करेंगे। परिवार के लोगों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने फिरने की योजना बन सकती है। शादीशुदा लोगों का जीवन अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में चल रही परेशानियां दूर होगी। आप अपने लव लाइफ में काफी खुशी महसूस करेंगे। आपको अपने मेहनत का पूरा फल मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी लगभग हर योजना सफल रहेगी। आपका मन बहुत अधिक सक्रिय रहेगा। घटित होने वाली किसी घटना का पूर्वाभास आपको हो सकता है। यह स्थिति आपके मस्तिष्क में कैसे उत्पन्न होगी आपको भी इसका एहसास आज के दिन ही होगा। आपको दूसरों को नजरअंदाज करने से और उनकी आलोचना करने से बचना होगा। आप जो भी निर्णय लें या फिर जो भी करें वह बहुत सोच समझकर और विचार करने के बाद ही करेगा। सुबह के समय में आप कोई अच्छी योजना बना सकते हैं। किसी भी काम में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से और उस काम के प्रति अपनी एकाग्रता आपको लगभग अपने हर काम में सफलता दिलाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। विद्यार्थी वर्ग को अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता हो सकती है। आप किसी के आगे इस बात को नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि यह कुछ दिनों की ही परेशानी है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन में अधिक घबराहट होने पर आप अपने नज़दीकी मित्रों से सलाह ले सकते हैं, इससे आपकी परेशानी कुछ कम हो जाएगी। आपके लिए यह ठीक होगा कि आप जिस गर्मजोशी और आत्मविश्वास का प्रदर्शन दूसरों के सामने कर रहे हैं उसे अपने मन के अंदर भी महसूस करें। छोटी छोटी बातों की अधिक परवाह बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। यह समय सार्वजनिक मामलों से दूर रहकर अपने करियर के विस्तार के बारे में सोचने का है। आपकी सच्चाई और मेहनत का परिणाम व पुरस्कार आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। बड़े निगम या सरकारी एजेंसियों से भी अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। नए विचार और कल्पनाएं आपकी जीवन को संवार देंगे। कोई महत्वपूर्ण यात्रा आपके शेड्यूल या दिनचर्या में बदलाव ला सकती है। अपने जीवन में रंग भरने के लिए अपने दोस्त से मिले और उनके साथ समय बिताएं। जोखिम लेने से पीछे ना हटे, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी नहीं जीते। तो चलिए अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। इस समय सभी चीजें आपके अनुसार ही हैं। सब कुछ आपके नियंत्रण में ही है और आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं। आप बस इसी तरह से चलते रहें तो सब कुछ आपके हक में ही रहेगा। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपने खातों का ध्यान जरूर रखेगा। जिस प्रोजेक्ट को आप बहुत फायदेमंद समझ रहे थे वो शायद उतना फायदेमंद ना साबित हो सके। आपका पूरा दिन किसी मुद्दे को सुलझाने में ही निकल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। प्रेम जीवन और रोमांस की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप दोनों की समझदारी और सूझबूझ ही काफी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए
बने हैं और इस बात पर पूरा विश्वास करें। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश हैं, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग में कुछ नए और रोमांटिक विचार आएंगे जिनसे आप उत्तेजित महसूस करेंगे। परिवार में तकरार आपके हौसले को कम कर सकती हैं, लेकिन आप सब कुछ अच्छे से संभालेंगे। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको छुट्टी की आवश्यकता है, फिल्म देखेगा, दोस्तों के साथ फोन पर बात करेगा या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका मनोरंजन हो। तो दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं व्यापार में होने लग जाए तरक्की, खूब बरसेगा धन, बस आपको यह वास्तु जो कि उपाय करने होंगे। दोस्तों वास्तु दोष, किसी भी क्षेत्र में अगर वास्तु दोष होता है, चाहे वो व्यापार हो या फिर घर का निर्माण करते वक्त हो या फिर किसी भी कार्य में वास्तु दोष होता है, तो वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं होगा, बल्कि उसके विपरीत बहुत बुरा आपके साथ होगा। नुकसान का होना या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटना जिसका आप अनुमान कभी नहीं लगा सकते, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो वास्तु दोष अगर अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। वास्तु दोष होने पर आपको कौन से उपाय करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। व्यापार स्थल पर रखिएगा यह चीज़, अपने कार्यस्थल के टेबल पर स्फटिक श्रीयंत्र, क्रिस्टल बॉल या स्फटिक कच्छप श्रीयंत्र जो कि रखना चाहिए। टेबल पर ये चीज़ें रखना शुभ होता है, इन चीज़ों के पास होने से व्यापार में लाभ होने लग जाते हैं। एकदम साफ हो दरवाजे, व्यापार स्थल का मुख्य दरवाजा एकदम साफ होना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। साथ में ही खिड़की, अलमारी और कुर्सी ना टूटी हो, इसका भी ध्यान रखें। फैक्ट्री और इत्यादि जगहों पर टूटा हुआ सामान होने से वास्तु दोष लग जाता है, इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि आपके कार्यस्थल में टूटा सामान ना हो और मुख्य द्वार एकदम साफ हो। रखें पांचजन्य शंख, कार्य में हानि होने पर व्यापार स्थल पर पांचजन्य शंख के रख दें। पांचजन्य शंख को रखने से धन लाभ होने लग जाता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि पांचजन्य शंख को पूजित करने के बाद ही स्थापित करेगा। केवल हो हल्के रंग, वास्तुशास्त्र में हल्के रंगों को उत्तम माना जाता है और इन रंगों को भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या व्यापार स्थल पर केवल हल्के रंग ही होने चाहिए, इसलिए व्यापार स्थल की दीवारों पर अगर गहरे रंग हैं तो आप सफ़ेद क्रीम जैसे हल्के रंगों से जो कि पुताई करवाएगा। अंदर की ओर खुले दरवाज़ा, कार्यक्षेत्र पर लगा हुआ दरवाज़ा हमेशा अंदर की ओर ही खुलना चाहिए, साथ में ही दरवाजे का रंग काला नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में काले रंग को अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशि फल रहने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।